मान मेरे सुत नहीं। दादा एक बात बता दूं, ये वंशज है ना वो कहां से, तो भागीरथ के वंश से महाराज, भागीरथ के हुए राजा त्रिपण, और त्रिपण के हुए सौदास, सौदास के हुए असमत, असमत के हुए नारी कवच, नारी कवच के हुए खटवांग, खटवांग के हुए दिलीप महाराज, दिलीप के हुए रघु जिससे रघुवंश चला, रघु के हुए अज, अज के हुए राजा दशरथ, और दशरथ के पुत्रों को तो आप जानते ही हो महाराज, दशरथ के हुए राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राजा वहीं से लौटा और गुरु के यहाँ पहुंचे हैं, गुरु वशिष्ठ जी के। राजा रोने लगा है, वशिष्ठ जी समझाने लगे हैं राजा क्यों परेशान है, क्या बात है। बोले मेरे कोई संतान नहीं है। बोले चिंता मत करो, आपके संतान होगी, आप पुत्र के कामना में यज्ञ रचाओ। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुवे यज्ञ करा। पुत्र की कामना में दादा राजा ने यज्ञ रचवाई है, तो यज्ञ में से स्वयं अग्नि देवता खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए। तब ही राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्या वहां चली आई, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधो कर। तीनों रानियां दशरथ की गर्भवती हो गई। माताएं बैठ जाइए, अभी बस 5 मिनट की बात है, रुक जाओ। जात न ते हरे गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। दादा तो इसी तरह आनंद से बीत गए 9 मास, विश्वानंद अवतार का अब समय आ गया। धीरे धीरे समय बीत गया महाराज। प्रभु राम ने कब जन्म लिया था? चैत का महीना था, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष था। दादा न ज्यादा सर्दी और न ज्यादा गर्मी, समझो ऐसा ही समय था। ध्यान रखें, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि प्रीता। भगवान प्रभु राम ने दादा ऐसे समय में जन्म लिया है ना, तो राजा दशरथ के आंगन में बड़ी खुशियां हैं, बधाई बज रही है, बड़े पुण्य दान हो रहे हैं महलों में। सभी बधाई डाल रहे हैं माताएं, अब नाच ले गए। और सुनो, प्रभु राम का जन्म हो गया, कल होगा कृष्ण जन्म। तो राम का जन्म हुआ, अब नृत्य कर ले वे, उसके बाद आरती।